रहा हूं, सनातन बंधु। 8 अप्रैल शुभ दिन सोमवार को वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अभी 25 मार्च शुभ दिन सोमवार को वर्ष 2024 का पहला चंद्र ग्रहण लगा, जो भारत में दृश्यमान नहीं था, इसलिए उसका सूतक भी मान्य नहीं था। 8 अप्रैल शुभ दिन सोमवार को लग रहा सूर्य ग्रहण भी भारत में दृश्यमान नहीं है। सूतक 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण में लग जाता है, क्योंकि भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इसका सूतक भी मान्य नहीं है। किंतु इसके प्रभाव में कहीं से भी रत्ती भर का अंतर नहीं है। एक पखवारे में दो ग्रहण और वो भी देश में दिखाई न देना, ये देश के लिए शुभ संकेत है। तमाम उपद्रव, षड्यंत्र, कुचक्र नष्ट होंगे। भारत 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के पथ पर अग्रसर है, ये उसका संकेत है। किंतु हमें राष्ट्र निर्माण के निमित्त इन दिव्य संयोग का आध्यात्मिक लाभ लेने में कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। अपने इष्ट देव का अथवा भगवान भोलेनाथ के अमोघ पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए इसका आध्यात्मिक लाभ उठाएं। जय श्री राम।